बाबा राम रहीम की सच्चाई आखिर 5 साल बाद सामने आई गई। इस सच के सामने आने के बाद हर कोई हैरान हो गया है। आप देख सकते हैं मोदी योगी या शाह या हरियाणा के सीएम खट्टर की बात की जाए, हर कोई हैरान है बाबा राम रहीम ने आखिर ऐसा क्या किया था 5 साल पहले। और वो सच्चाई आज सामने निकल कर आई है। किसी के लिए यकीन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप सबको यकीन करना पड़ेगा। जी हाँ, 5 साल बाद वो सच्चाई सामने आ गई है। और आप देख सकते हैं पानीपत में आज सैकड़ों की संख्या में जो बाबा राम रहीम के जो भगत हैं, चेले हैं, वो यहाँ पर आए हैं। फिलहाल यहाँ देख सकते हैं डेरे के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, किसी के लिए यकीन कर पाना मुश्किल है कि 5 साल बाद बाबा की सच्चाई सामने आ गई है। लोग कहते हैं कि बाबा हमेशा कहते थे कि लोगों की सेवा करो, लोगों के साथ रहो, लोगों की मदद करो, ये बताइए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग बाबा को नेगेटिव बोलते हैं। देखिए, आपको मैं ये बताना चाहूँगा, जब जब अच्छाई आगे बढ़ती है, बुराई अपने पंख पसारती ही पसारती है, और आज भी वैसा ही हो रहा है। डेरा सच्चा सौदा ने पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी के मार्गदर्शन में इतने मानवता भलाई के कार्य किए हैं, 143 से ज़्यादा मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा की साध संगत द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि गरीबों को राशन भी वितरित किया जाता है, गरीबों को मकान बनाकर दिए जाते हैं, गरीब लड़कियों की शादी करवाई जाती है, गरीबों का इलाज करवाया जाता है। इस तरह के 143 मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा की साध संगत आज से नहीं, जब से डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई है, जब से लेकर आज तक लगातार करती आ रही है, और आगे भी रहती दुनिया तक डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ये कार्य करती रहेगी। यहाँ धर्मेंद्र हमारे साथ है और ये बाबा के परम भगत है। ये बताओ, लोग कहते हैं कि आप बलात्कारी के भगत हो, ये जब सुनते हो तो कैसा लगता है? देखिए, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। हमारा काम है कि मानवता भलाई के जो कार्य पूज्य डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने हमें करने के लिए सिखाए हैं, 143 मानवता भलाई कार्य, चाहे खूनदान हो, बॉडी दान हो, नेत्रदान हो, सफाई महाभियान हो, इस प्रकार के कार्य हम निरंतर करते रहे। अच्छा, आप सिरसा भी गए डेरा में, वहाँ पर लोग कहते हैं कि गुफा थी और गुफा में न जाने बाबा क्या क्या काम करता था, तो उस गुफा में क्या था, आपने तो देखा होगा। देखिए, वो एक रास्ता है जो रिजोर्ट से जो स्टेडियम की तरफ जाता है, वो रास्ता है, उसको जाके मीडिया ने दिखा दिया कि ये गुफा का रूप है। ऐसा नहीं है, आप मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा कि वो जगह क्या है और स्थिति क्या है वहाँ की। आप मानते हैं कि बाबा निर्दोष है, बाबा जी पर जो भी आरोप लगाए गए वो सब निराधार है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दें कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी पूर्णतः निर्दोष हैं, लेकिन माननीय कोर्टों का हम सम्मान करते हैं, और उस केसों को लेकर माननीय हाई कोर्ट में अपील दायर की हुई है। जैसे ही वो अपील सुनवाई पर आएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ सच आपके सामने जरूर आएगा। ये बताइए, आप लोग कल पूरे दिन चर्चा कर रहे थे कि पानीपत जोन का कार्यक्रम है यहाँ पर, लेकिन देखकर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर जितनी संख्या में वाहने हमें नजर आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे हरियाणा प्रदेश से लोग यहाँ पर पहुंचे। देखिए, हरियाणा के अंदर 30 से 40 लाख एक रफली मैंने आपको काउंटिंग बताई है, एग्जैक्ट मैं आपको भी एकदम एक्यूरेटली, ज़्यादा भले हो, 30 से 40 लाख की जो श्रद्धालुओं की गिनती है वो हरियाणा में है। और आज यहाँ आप देख रहे हैं 3 से 4 लाख ही श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। और जो पानीपत, ये हरियाणा की जो डेरा सच्चा सौदा की जिला पानीपत की साध संगत है, उसके द्वारा ये आयोजन किया गया है डेप्थ कैंपेन के तहत, नशा मुक्ति अभियान के तहत। जैसा कि आपको पता है कि माननीय भारत सरकार ने भी नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाई हुई है, बहुत ही सराहनीय कदम है माननीय भारत सरकार का, कि नशे को रोकने के लिए सरकारें आगे आ रही हैं। और पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने 1 जनवरी को एक चिट्ठी के माध्यम से एक संदेश भी भेजा था, उसमें पूज्य गुरु जी ने माननीय भारत सरकार को बहुत बहुत साधुवाद कहा था इस कदम के लिए जो नशा मुक्ति को लेकर सरकार ने चलाया, और साथ में यह भी कहा था कि डेरा सच्चा सौदा की समस्त साध संगत एवं स्वयं पूज्य गुरु जी इस मुहिम में भारत सरकार के साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, माननीय भारत सरकार का साथ देंगे, और बहुत ही जल्द हमारा देश नशा मुक्त होकर रहेगा। ये बताइए, आज ये कार्यक्रम क्यों करवाया जा रहा है, कार्यक्रम करवाने का मकसद क्या है, क्या फिर से बाबा सक्रिय होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बताया, जल्द से आदेश दे दिया हो कि आप सभी भक्तों को जोड़ लो, मैं फिर से वापस आने वाला हूँ, या कोई और वजह है? देखिए, डेरा सच्चा सौदा की साध संगत को अपने पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर पूर्णतः विश्वास था, है और रहेगा, तो जोड़ने वाली तो बात बनती ही नहीं इसमें कि किसी को कुछ कहना पड़े, क्योंकि जो पूज्य गुरु जी के साथ जुड़े उन्होंने क्या क्या पाया, वो कहते हैं जिस तन लगे सो तन जाने, जिसके साथ बीती है उसको पता है कि पूज्य गुरु जी ने कितने, मतलब उनको अच्छाई की तरफ डाला, अच्छे रास्ते पर डाला, जिनके घर नरक बन चुके थे वो स्वर्ग बन गए, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि डेरा सच्चा सौदा की साध संगत टस से मस्त हो जाए, थोड़ी सी भी हिली हो, ना तो हिली है, ना हिली थी, ना हिलेगी। अभी अभी भी कमेंट में लोग ना जाने क्या क्या बोल रहे होंगे बाबा के बारे में, और कह रहे होंगे ये रिपोर्टर भी पागल है जो इनका इंटरव्यू ले रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए,
वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन पूज्य गुरुजी के मार्गदर्शन में डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत समाज भलाई के लिए लगी हुई थी और आज भी लगी हुई है और रहती दुनिया तक, आखिरी सांस तक समाज की भलाई के लिए लगी रहेगी। दुनिया जो मर्जी कुछ मर्जी कहे, लेकिन हमें पता है और डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत को पता है कि उनके सतगुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी की बदौलत आज वो कहाँ पर पहुंचे हैं, वो उन्हीं को पता है। लोग कह रहे होंगे बाबा जी जेल में है और इनके भगत है वो मानवता की बात कर रहे हैं, हंस रहे होंगे आप पर लोग। देखिए मैं आपको भी बता के हटाऊं, इसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये जो मैटर है, ये केस है, भी माननीय हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो जैसे ही उसका फैसला आएगा सच सब लोगों के सामने बहुत जल्द आ जाएगा। ये बताइए आज का कार्यक्रम किस लिए करवाया जा रहा है? देखिए आज का जो कार्यक्रम है, जो माननीय भारत सरकार द्वारा मुहिम चलाई गई है नशा मुक्ति को लेकर, उसी मुहिम के तहत पूज्य गुरुजी द्वारा डेरा सच्चा सौदा द्वारा शुरू से ये मुहिम चलती आ रही है, चलाई जा रही है और पूज्य गुरुजी के मार्गदर्शन में 6 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक नशा छोड़ चुके हैं। उसी नशे के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को ये मुहिम, ये आज आयोजन किए जा रहे हैं और यहाँ नहीं पूरे देश नहीं विदेशों तक में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। मैंने सुना कि जो सांसद नाम जी उनकी जो जन्म वर्ष का ये महीना चल रहा है, इस वर्ष में आप ये लोग कार्यक्रम करते रहते हैं? जी 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 जी, देखिए ये पूरे 12 महीने ही चलते हैं। वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परम पिता शास्त्रनाम सिंह जी महाराज हैं, उनका ये जन्म महीना चल रहा है और आने वाली 25 जनवरी को जो उनका जन्मदिन होता है उस दिन भी बहुत विशाल भंडारा मनाया जाता है, भंडारे के रूप में साध संगत उसे मनाती है, तो ये पूरा महीना ही उनके अवतार महा जन्म माह की खुशी में मनाया जाता है। और लेकिन मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा की साध संगत पूरे 12 महीने 24/7 ये कार्य मानवता भलाई के करती है। पिताजी को कई लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, गुस्सा नहीं आता कि लड़ाई करूं इससे में? देखिए पूज्य गुरुजी ने हमें सबसे प्रेम करना सिखाया है और डेरा सच्चा सौदा का उद्देश्य है सिर्फ मानवता भलाई के कार्य करके और सबसे प्रेम करना है। कोई हमें कुछ मर्जी कहे डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत को, लेकिन फिर भी वो हमारे भाई है और हमने अपनी आपसी भाईचारे को कायम रखना है और डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत उस भाईचारे को कायम रखती रहेगी। अच्छा ये बताइए डेरा किसको समर्थन करता है, किसी पार्टी को भी समर्थन करता है, बीजेपी या कांग्रेस या किसी को? देखिए डेरा सच्चा सौदा का और पूज्य गुरुजी का राजनीति से ना तो कोई लेना देना था, ना है और ना कभी रहेगा। अच्छा ये सरकार आपको अच्छी नहीं लगती है, मोदी सरकार? देखिए सरकारों का अपना अपना उद्देश्य होता है, अपना काम होता है, अच्छे गलत की कोई बात नहीं होती। जो सरकार अच्छे काम कर रही है, अब कितना बड़ा इन्होंने कदम उठाया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, माननीय भारत सरकार द्वारा जो नशे को रोकने की मुहिम चलाई है, हम कहते हैं भी बहुत ही सराहनीय कदम है, तो क्यों नहीं अच्छी लगेगी सरकार? जो अच्छे काम करेगा चाहे वो कोई भी सरकार हो वो अच्छी ही है। अच्छा आपका नाम क्या है? जितेंद्र खुराना, एडवोकेट, मैं प्रवक्ता हूँ डेरा सच्चा सौदा से। ये जितेंद्र भाई है, जितेंद्र भाई बहुत अच्छे से इन्होंने बातों को समझाया, इन्होंने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फिलहाल आप लोग भी नशे से दूर रहे और अगर आपके आसपास भी कोई नशे की लत में ग्रस्त है, नशे से ग्रस्त है, तो उसे उसे कहें कि आप नशा छोड़े, क्योंकि नशा आप और आपके पूरे परिवार को खा जाता है। आप लोगों से अपील है इस खबर को साथ के साथ शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जोगी के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।